Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And today I am going to discuss with you the concept of learning. हम लोगों ने लर्निंग थ्योरीज पे बहुत बात की, ऑलमोस्ट सभी लर्निंग थ्योरीज हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन कंसेप्ट ऑफ लर्निंग रह गया था। अधिगम का संप्रत्यय क्या है, अधिगम से समझते क्या है, तो इसको एक बेसिक वीडियो इस उस क्रम में जोड़ लेते हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बात, क्या है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का संप्रत्यय क्या है, सीखने से अभिप्राय क्या है, अधिगम से अभिप्राय क्या है। तो अधिगम क्या है, लर्निंग इज व्हेन यू लर्न समथिंग। सीखना क्या है, जब हम कुछ सीख लेते हैं वही सीखना है। लर्निंग इज लर्निंग हाउ टू डू समथिंग, सीखना ये भी है कि हमको कैसे कोई काम करना है। अ मोर यूजफुल डेफिनेशन इज एज फॉलोज, लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर चेंज ब्रॉट अबाउट बाई एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये बहुत कॉमन और पॉपुलर डेफिनेशन है लर्निंग की, कि जो संप्रत्यय अधिगम है वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, यानी कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, और वो भी परिवर्तन ऐसा हो जो थोड़ा स्थायी हो। क्षणिक परिवर्तन अधिगम नहीं है, जो थोड़ा स्थायी हो और किस वजह से आया हो, या तो हमने अभ्यास करके कुछ सीखा हो या हमने अपने अनुभवों से सीखा हो और उसने हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर दिया हो, तो वो लर्निंग है। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज एटीट्यूड्स एंड स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। सीखना वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति ग्रहण करता है ज्ञान, एटीट्यूड्स और कौशल जो कि नेसेसरी हैं, जो कि आवश्यक हैं उसकी जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज दस चेंज थ्रू एक्सपीरियंसेस, इसीलिए एक व्यक्ति का व्यवहार जो है वो अनुभवों को प्राप्त करने के बाद बदल जाता है। दिस बिहेवियर चेंज ब्रॉट अबाउट बाई एक्सपीरियंसेस इज कॉमनली नोन एज लर्निंग। और व्यवहार में ये परिवर्तन अगर अनुभवों के कारण आया है तो उसको जनरली हम लोग सीखना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स हाउ टू क्लैप हैंड्स बाय सीइंग समवन एल्स टू डू इट। जैसे एक बच्चा सीखता है कि किसी को देखना है तो उसको ताली बजाना है, या उसने बार बार ताली बजाई और आप खुश हो गए तो फिर आप उससे कहेंगे ताली बजाओ, तो फिर बजाएगा। लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, और मतलब कि प्रत्यक्ष अनुभवों से, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से जो हम सीखते हैं वो भी लर्निंग है। फिर कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में जो रिलेटिवली परमानेंट हिस्सा है, मतलब हम कह रहे हैं चेंज इन बिहेवियर सिर्फ नहीं है, जब उसमें रिलेटिवली परमानेंट जुड़ जाता है तब वो लर्निंग बनता है। तो ये कह रहा है कि दिस पार्ट ऑफ द डेफिनेशन रिफर्स टू द फैक्ट दैट व्हेन पीपल लर्न एनीथिंग सम पार्ट ऑफ देयर ब्रेन इज फिजिकली चेंज्ड टू रिकॉर्ड व्हाट दे हैव लर्न। कैसे ये परमानेंस आएगा, कैसे रिलेटिव परमानेंस की स्थिति आएगी, कि जब हम ऐसा कुछ सीखेंगे तो हमारे मस्तिष्क का कुछ हिस्सा फिजिकली चेंज हो जाएगा उस सीखने हुए, वो जो भी कुछ आपने सीखा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, तो ये एक्चुअली हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाएगा। फॉर विदाउट द एबिलिटी टू रिमेम्बर व्हाट हैपेंस पीपल कैन नॉट लर्न एनीथिंग, यानी कि अगर हम स्मृति की हमारे अंदर शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हम फिर कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि हमने जो भी सीखा है वो याद भी तो रखना है। Although there is no conclusive proof as yet, research suggests that once people learn something, it may be present somewhere in memory in physical form. हालांकि इसका कोई हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, हमारे पास देने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी अनुसंधान ये बताते हैं कि जब व्यक्ति कुछ सीख जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। Not all changes accomplished through learning, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर जितने परिवर्तन आ रहे हैं सब लर्निंग के कारण आ रहे हैं। आप जब लर्निंग पे कोई चैप्टर उठा के पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी किताबों का, तो बताएंगे लर्निंग इज नॉट मैच्योरेशन, लर्निंग इज नॉट, ये सारी चीजें बताएंगे ना, मतलब कि जो हम मैच्योर हो रहे हैं और जो चेंज हो रहा है वो लर्निंग नहीं, तो जो एक्सपीरियंस से, जो प्रैक्टिस से चेंज हो रहा है वही लर्निंग है। ठीक है, जैसे ये उन्होंने बता दिया ना चेंज, ये देखिए वही आ गया, चेंजेस लाइक एन इंक्रीज इन हाइट और द साइज ऑफ द ब्रेन, हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारे मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा है, तो ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ये लर्निंग नहीं है। दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड मैच्योरेशन, हम मैच्योर हो रहे हैं इसलिए वो चेंजेस आ रहे हैं, एंड इज ड्यू टू बायोलॉजी नॉट एक्सपीरियंस, ये हमारे शरीर की के हिसाब से आ रहे हैं चेंजेस, हमारे अनुभवों के हिसाब से नहीं आ रहे। मतलब कि आपको अनुभव नहीं मिलेंगे तब भी आप लंबे हो जाएंगे, कहने का मतलब ये, उसमें अनुभव का कोई रोल नहीं। फिर अगर कुछ डेफिनेशन देखें लर्निंग की, तो जैसे गार्डनर मर्फी की डेफिनेशन है, हेनरी पी स्मिथ की है, क्रो एंड क्रो की तो बहुत पॉपुलर है, तो गार्डनर मर्फी क्या कहते हैं कि द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, हमारे व्यवहार का हर मॉडिफिकेशन जो कि एनवायरमेंट में वातावरणीय जरूरतों के हिसाब से चेंज करने के लिए हमारे अंदर आ गया है, वो सब लर्निंग है।
हेनरी पी स्मिथ कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। या तो हमारे किसी पुराने व्यवहार में कोई कमी आई हो या वो और स्ट्रेंथन हो गया हो किसी अनुभव के द्वारा और हमने ऐसा कोई नया व्यवहार किया अधिग्रहण कर लिया हो, वो सब अधिगम है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स इन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। इट इनेबल्स हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट थ्रू अटेन गोल्स। कह रहे हैं कि अधिगम जो है वो अधिग्रहण है किसका, आदतों का, ज्ञान का और एटीट्यूड का। इसमें हम कुछ नया सीखते हैं, नया करने का तरीका सीखते हैं और इंडिविजुअल इसको कब प्रयास करता है, जब उसको कोई बाधा उसके काम में आ रही है तो नई सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए वो नए तरीके सीख लेता है काम करने के, और इससे हमारे व्यवहार में जो है उत्तरोत्तर परिवर्तन आता है और इससे हम अपने गोल को भी अटेन कर सकते हैं। फिर चेंजिंग कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं लर्निंग क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, हमारे परमानेंट चेंज में, हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज है। बट बाद में कालांतर में कई और मनोवैज्ञानिकों ने लर्निंग पे काम किया, उन्होंने कहा चेंजिंग कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग बियॉन्ड दैट ऑफ इट बीइंग अ प्रोडक्ट इज मोस्ट एविडेंट इन द वर्क ऑफ प्रोफेसर रोजर सेल्जो, who is considered by many as a pioneer in contemporary research into learning। मतलब कि ये जो था कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए का मतलब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन तो प्रोडक्ट है ना, ये तो निकल कर आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि लर्निंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये इन्होंने काम किया रोजर सेल्जो ने। और इन्होंने बताया कौन थे, he is a professor of education and educational psychology at the University of Gothenburg, Sweden, and in the late 1970s he published a seminal piece of work that has influenced learning theorists since। और 1970 के उत्तरार्ध में इन्होंने एक बहुत बढ़िया पेपर पब्लिश किया जिसने लर्निंग थियरिस्ट को बहुत उनके उनके कंसेप्शन को बदल दिया। इन दिस स्टडी सेल्जो फाउंड दैट स्टूडेंट्स कंसेप्चुलाइज लर्निंग विद इन 5 कैटेगरीज। ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी जो हैं वो अधिगम को 5 तरीके से कंसेप्चुलाइज करते हैं। कौन कौन से वो 5 तरीके हैं, लर्निंग एज ए क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन नॉलेज, यानी अधिगम क्या है, हमारे ज्ञान में क्वांटिटेटिवली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम आज इतना जानते हैं, कल और ज्यादा जानते हैं, परसों और ज्यादा जानते हैं, तो ये लर्निंग है। फिर लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नोइंग अ लॉट, बहुत कुछ हम जान गए हैं, बहुत सारी सूचना हमारे पास है, तो वो लर्निंग है। लर्निंग इज मेमोराइजिंग, जैसे की बात हो चुकी है, लर्निंग इज स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, मतलब हमने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली है, जरूरत पड़े पर हम उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, सॉरी, तो वो लर्निंग है। फिर लर्निंग इज एक्वायरिंग, यानी कि कुछ प्राप्त करना लर्निंग है। लर्निंग इज एक्वायरिंग फैक्ट्स, स्किल्स एंड मेथड्स दैट कैन बी रिटेन्ड एंड यूज्ड एज नेसेसरी, यानी कि जब जरूरत हो हम उसको अपने पास रख सकें और जब जरूरत हो हम उसको यूज भी कर सकें, वो लर्निंग है। लर्निंग इज मेकिंग सेंस और एब्स्ट्रैक्टिंग मीनिंग, हम किसी बात का अर्थ निकाल सकें, हम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग निकाल सकें, तो ये सब लर्निंग है। लर्निंग इन्वॉल्व्स रिलेटिंग पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू ईच अदर एंड टू द रियल वर्ल्ड, और उसको वास्तविक संसार से जोड़ भी सके। लर्निंग इज इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रियलिटी इन ए डिफरेंट वे, यानी कि जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, उसको हम दूसरे विभिन्न तरीके से समझ सकें, उसका अर्थ निकाल सकें, वो लर्निंग है। लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंडिंग द वर्ल्ड बाय रीइंटरप्रेटिंग नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान है उसका हम पुनः दूसरा अर्थ निकाल सकें, वो लर्निंग है। तो ये सेल्जो साहब ने कहा कि ये 5 तरीके हैं जिनसे विद्यार्थी लर्निंग को कंसेप्चुलाइज करते हैं, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी यूनिकनेस है लर्निंग के संग, तो लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, जब भी आप कुछ सीखेंगे परिवर्तन आएगा। और लर्निंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा सीखने के लिए, बैठे बैठे आप कुछ नहीं सीख सकते, तो सभी अधिगम के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं। लर्निंग रिक्वायर्स इंटरैक्शन, जब भी लर्निंग होगी तो इंटरैक्शन होगा, किसके बीच में, हो सकता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट एनवायरमेंट के बीच में, सब किसी ना किसी के बीच में। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग, अधिगम में हम समस्याओं के समाधान को सीखते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी उसी को सॉल्व करने के लिए तो आपके अंदर लर्निंग आएगी ना। फिर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना अधिग्रहण की प्रक्रिया लर्निंग है। एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, आपको कुछ सीखना है उसके लिए अनुभव बहुत जरूरी है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी पढ़ चुके हैं कि जो कुछ सीखा जाता है वो दूसरी दशाओं में ट्रांसफर भी होता है। फिर लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, लर्निंग जो है वो सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया है। लर्निंग इज द रिलेशनशिप, हो ये दो बार आ गया, लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, हम लोगों ने थॉर्नडाइक को पढ़ा है, हम लोगों ने पैवलोव को पढ़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो लर्निंग में तब्दील हो जाता है। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट,
मतलब कि लर्निंग इज प्रोसेस एज वेल एज ए प्रोडक्ट होना चाहिए था एक्चुअली, कि जो जो अधिगम है वो प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है. लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट, और जो अधिगम है वो हमको एडजस्टमेंट के लिए तैयार करता है, यानी कि जब हम किसी नई आने वाली समस्याओं के प्रति, सिचुएशंस के प्रति एडजस्ट करने की प्रक्रिया सीख जाते हैं तो लर्निंग हो जाती है. ठीक है, तो इतना कुछ है लर्निंग के बारे में, जो ये बीच में एक गैप आ गया था कि व्हाट इज लर्निंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, व्हाट, ये सब रह गया था. तो ये मैंने यहाँ से आपको कवर कर दिया कि पहले ये जान जाइए कि सीखना क्या होता है, फिर हम सीखने के सिद्धांतों को फिर से दोहरा लेंगे. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.